हेलो बच्चा लोग, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड इंटरमीडिएट की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल की। आज हम थर्ड टाइप की बात करने वाले हैं कार्ब एनाइन। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कार्बनाइन्स मीन्स कार्ब मीन्स क्या बना हमारे पास कार्बन, एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है। कार्ब अनाइन से हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द ऑर्गेनिक आयन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। किस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑन कार्बन एटम एंड हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वेलेंस शेल। इसके वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बना, भी एक ऑर्गेनिक आयन है, उसके पास कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन यूज़ कैसे करता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे यूज़ करता है, अमंग दोज इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, बॉन्डिंग में, और वाइल 1 पेयर कहाँ पर यूज़ होगा, नॉन बॉन्डिंग में। देखो भाई, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पर यूज हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे यूज हो रहे हैं बॉन्डिंग में। जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास बचा वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग में, मींस वो लोन पेयर का काम कर रहा है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मींस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 6 प्लस 2, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब भाई कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं, उसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइन। अब हम देखते हैं कौन कौन सी एग्जाम्पल होती है कार्बनाइन की। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बनाइन, CH3 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो इसको अगर हम देखें, कार्बन ने अपने 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर यूज़ हो गए, बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये हमारा क्या है, कार्बनाइन। इसका नेम क्या होगा, मिथाइल कार्बनाइन। ऐसी और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इथाइल कार्बनाइन की, CH3CH2 नेगेटिव, ये बना हमारे पास इथाइल कार्बनाइन। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एलाइल कार्बनाइन। और कौन सी एग्जांपल हम ले सकते हैं, एरोमेटिक की भी ले सकते हैं ना, CH2 नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास क्या है, बेंजाइल कार्बनाइन। ठीक है भाई, इतनी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बनाइन, कार्बनाइन्स फॉर्म कैसे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बनाइन्स। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में किया है कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल्स में, सेम वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पर लगेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो पहले वीडियो देख लीजिए, तो आपको कार्बोनाइन ईजली क्लियर हो जाएगा। अगर न्यू बच्चे, न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बाकी लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बनाइन मींस कार्बनाइन कैसे बनते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन की, उसी के बेसिस पर हम कार्बनाइन बना रहे हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के बॉन्ड फ्यूजन होते हैं, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक।
होमोलिटिक में क्या होता है, सिमिट्रिकली बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है, भी पार्शियलिटी होती है। कैसे पार्शियलिटी होती है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही एटम के पास चले जाते हैं, दूसरा बेचारा देखता रह जाता है भाई ये क्या हो गया। ठीक है, अब ये कार्बोनाइन कैसे बनते हैं, अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो टू टाइप्स के कैटायंस बनते हैं, मींस आयंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कार्बोनाइन कैसे बनता है, बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से, बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन मींस दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास जाएंगे, जिस एटम के पास जाएंगे उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करें CH3Z कोई भी एटम है यहाँ पर। अब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में होता क्या है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में। हेट्रोलिटिक में अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होती है, मींस बॉन्ड जो ब्रेक होता है अनसिमेट्रिकली होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास जाएंगे। अब किसके पास जाएंगे वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वही वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ठीक है, जिसको ज़्यादा पावर होगी वही वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ठीक है, अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल करें, एक पर्सन के पास 5 रुपीज़ है, दूसरे पर्सन के पास 20 रुपीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई भी चीज़ परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल नोटबुक ही परचेज करनी है, हमारे पास नोटबुक है 20 की, एक पर्सन के पास 20 रुपीज़ है, दूसरे के पास कितने हैं, 5 रुपीज़ है। अब बेचारा 5 रुपीज़ वाला तो वो परचेज नहीं कर पाएगा ना, उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही ले पाएगा, परचेज कर पाएगा। अब वो 20 रुपीज़ वाला जो पर्सन है वो 20 रुपीज़ की नोटबुक परचेज कर सकता है, मींस वो ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री में होते हैं, ज़्यादा पावरफुल कौन सा कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जो ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके जाएगा, दूसरा बेचारा पॉजिटिव चार्ज ले जाएगा। अब यहाँ पर जेड जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, अगर वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज़्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन के पास, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी कार्बोनाइन की, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा क्या बना, मिथाइल कार्बोनाइन। ठीक है बच्चा, जेड यहाँ पर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ये आपने मेंशन करना है। ठीक है, अब हम और एग्जांपल्स लेते हैं फॉर्मेशन की, मैं एग्जांपल ले रही हूँ एल्डिहाइड की, CHO CH3 मीन CH2H में अगर लिख दूँ। अब देखो भाई, यहाँ पर कार्बन मीन्स कार्बन के इलेक्ट्रॉन, एक यार कार्बन का ये, एक हाइड्रोजन का ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन अगर होगी तो, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, कार्बन पे जाएंगे। अब भाई हाइड्रोजन बेचारा वो एक अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्यों नहीं अकेला एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वो अकेला नहीं रह सकता, बेचारे को डर लगता है मुझे कोई ले ना जाए, मुझे कोई खा ना जाए, जैसे हम छोटे बच्चे की बात करते हैं ना, इसको अकेला नहीं छोड़ना, मम्मी के पास रहेगा, वैसे ही अब हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसा एटम लेके आना पड़ेगा जो हाइड्रोजन को अपने साथ रखे। अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट जो उसकी देखभाल करेगा, अपने साथ लेके जाएगा। ठीक है, बेचारा अकेला नहीं रहेगा ना, फिर ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन को OH ग्रुप अपने साथ रखेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, पहले CH2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये बन गया हमारा कार्बोनाइन। ऑक्सीजन OH ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो क्या बन गया हमारे पास, वाटर। अब हाइड्रोजन अकेला नहीं रहा, ये बन गया हमारे पास कार्बोनाइन।
और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल ये थी, थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं एथाइन की, ट्रिपल बॉन्ड की, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। वे यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, दो बॉन्ड में, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, इस कार्बन के पास जाएंगे, क्योंकि कार्बन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। अब बेचारा हाइड्रोजन फिर क्या करेगा, इसके लिए फिर से हमें कोई ऐसा अटैकिंग रिएजेंट चाहिए जो इसे अपने साथ रखे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अमाइन ग्रुप लिया हमने NH2, ये हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी, और इधर हमारे पास क्या बनेगा, अमोनिया बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसी आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन आयन्स। प्लीज आप लोग पहली वाली वीडियोस भी देखिए तो आपको इजली कार्बन आयन क्लियर हो जाएगा। वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जैसे फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन में चले थे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनाइन, कार्बनाइन हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। वो किस बेसिस पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं? प्राइमरी हमारे पास कैसे होता है, अगर एक ये कार्बनाइन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव वाले कार्बन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, मींस एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो वो क्या है, प्राइमरी कार्बोनाइन। सेकेंडरी कार्बनाइन क्या है, अगर इस नेगेटिव वाले कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच है तो वो सेकेंडरी है, अगर इस नेगेटिव वाले कार्बन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप अटैच है तो वो क्या है, टर्शरी। देखो, इस कार्बन नेगेटिव वाले के साथ अगर तीनों हाइड्रोजन अटैच है, ये तो हमें पता ही है क्या है, मिथाइल कार्बन आयन है। ठीक है, अगर इस नेगेटिव वाले कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है तो ये क्या है, प्राइमरी कार्बन आयन। ठीक है, अगर ये इसके साथ नेगेटिव वाले के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये क्या है, सेकेंडरी। अगर इस नेगेटिव वाले कार्बन के साथ तीनों के तीनों क्या लगे हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या है, टर्शरी कार्बनाइन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन, कौन कौन से फैक्टर है जो कार्बनाइन की स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं? फर्स्ट हमारे पास है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, सेकंड रेजोनेंस, थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, या हम बोल सकते हैं एस करेक्टर। ठीक है भैया, अब आप लोगों को अब तो पता चल गया होगा इंडक्टिव और रेजोनेंस इफ़ेक्ट क्या है। अगर किसी बच्चे ने इंडक्टिव इफ़ेक्ट देखना है या रेजोनेंस इफ़ेक्ट क्या होता है, तो वो पहले वाली वीडियोस देख सकता है, तो इसको कार्बन आयन ईजली क्लियर हो जाएगा। अब हम फर्स्ट बात करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट की। इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बेसिस पर हमने बताना है कि मिथाइल और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कौन सा कार्बनाइन ज़्यादा स्टेबल है। अब हमें पता है वही हमने किया था, ये वाले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में। प्राइमरी में हमें पता है एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, पता है ना भाई, प्राइमरी में क्या लगा है, एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होता है, हमें पता है अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मींस ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो कौन सा इफ़ेक्ट लगेगा, प्लस सा इफ़ेक्ट लगेगा। अब हमें पता है टू टाइप्स के होते हैं, प्लस और माइनस, डोनेटिंग हो तो प्लस, विदड्रॉइंग हो तो क्या, नेगेटिव आई इफ़ेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या लगा है,
प्लस आई इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट प्राइमरी कार्बो अनाइन में हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप लगा है। अब इस कार्बन के पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज और मिलेगा ये कंपाउंड उतना ही अनस्टेबल होता जाएगा। हमें तो स्टेबिलिटी चेक करनी है, जितना चार्ज बढ़ता जाएगा वो कंपाउंड उतना अनस्टेबल होता जाएगा। देखो भाई, कोई भी कंपाउंड अगर उसके पास पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्री रेडिकल भी है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। मींस उस पर कोई चार्ज ना आए तो वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। नेगेटिव क्या करेगा, वो कहेगा मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं फ्री हो जाऊं, ठीक है, मुझे नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहेगा मेरे पास कोई नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन आ जाए, मेरा चार्ज खत्म हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है। मीन्स जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी क्या है, कम होती जाएगी, ठीक है। अगर देखो भी हमारे पास प्राइमरी में क्या है, एक अल्काइल ग्रुप लगा था, वो उसने अपने इलेक्ट्रॉन और दे दिए कार्बन पे, मीन्स उसके पास तो और नेगेटिव चार्ज आ गया, वो और अनस्टेबल हो गया। इस सेकेंडरी में दो हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, उन्होंने और चार्ज बढ़ा दिया। टर्शरी में तीन लगे हुए हैं, उन्होंने तो तीन गुना चार्ज कर दिया इस कार्बन पे। तो अब आप मुझे बताओ, इनमें से कौन सा कंपाउंड मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बनाइन में ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बोलो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सही बोला, मिथाइल कार्बनाइन इज मोर स्टेबल बिकॉज इसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि उतना चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। लार्जर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन एटम एंड लोअर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या बोल सकते हो, ये ऑर्डर हमारे पास आया प्लस आई इफेक्ट से, जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। सेकेंड हम देखेंगे रेजोनेंस, सेकेंड हम देखने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस में हमारे पास क्या है, अब हम पहले लेते हैं एलाइल कार्बनाइन की। रेजोनेंस का तो भाई एक ही फंडा है, जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगी उतना वो कंपाउंड स्टेबल होगा। एलाइल कार्बनाइन की अगर हम बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी हमारे पास, CH2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए तो ये क्या बना, डबल बॉन्ड, वन और टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी इसकी हमारे पास। अगर हम बात करें एरोमेटिक की, दैट मींस बेंजाइल कार्बनाइन की, तो हमारे पास क्या बना, बेंजीन रिंग की तो आपने देखी होंगी, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड चलता है, और यहाँ पर हमारे पास ग्रुप लग गया नेगेटिव चार्ज वाला CH2 ग्रुप कार्बनाइन। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा, और ये वाले बॉन्ड यहाँ पर क्या बना देंगे, इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना हमारे पास, डबल बॉन्ड CH2, इस बॉन्ड के क्या बन गए हमारे पास, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बॉन्ड एज इट आएगा, नेक्स्ट वाली कंडीशन में क्या होगी, ये नेगेटिव चार्ज का बनेगा बॉन्ड, इस बॉन्ड का बनेगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, इसका बन गया बॉन्ड, इसके बन गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बॉन्ड एज इट आएगा, नेक्स्ट कंडीशन क्या बनी हमारे पास, डबल बॉन्ड CH2, इस इलेक्ट्रॉन के बन गया बॉन्ड, बॉन्ड का क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, तो क्या बना हमारे पास, सॉरी इसका बन गया बॉन्ड, तो इस बॉन्ड का क्या बना, नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज का बनेगा बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनी, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड इसका बना बॉन्ड, इसके बने
इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछे भाई एलाइल कार्बन नाइन ज़्यादा स्टेबल है या बेंजाइल कार्बन नाइन, भाई क्या बोला हमने रेजोनेंस में, जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी उतना वो कंपाउंड स्टेबल होगा, तो बेंजाइल कार्बन नाइन इज मोर स्टेबल, बेंजाइल कार्बनाइन इज मोर स्टेबल देन द एलाइल कार्बनाइन, क्लियर है। अब इसमें एक बात और आती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा था, अगर इसी कंडीशन के साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। कहना प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो गए हमारे पास, सच एज NO2, CnCl जो नेगेटिव चार्ज है जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, CO, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है हमें पता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे, विदड्रॉ का मतलब क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। अगर हमारे पास कार्बन नाइन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, अपने पास ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो कंपाउंड उतना स्टेबल हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो उसकी स्टेबिलिटी को इनक्रीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इनक्रीज़ करते हैं, इनक्रीज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उतना वो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड टाइप रह गई हमारे पास, थर्ड फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एस करेक्टर भी बोल सकते हैं हम इसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्या बोल सकते हैं हम इसे, एस करेक्टर। अब देखो भाई क्या होता है, स्टेबिलिटी है जो कार्बन नाइन की इंक्रीज होगी अगर एस करेक्टर हमारे पास इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस किसके साथ, अगर एस करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एस करेक्टर कैसे पता चलेगा, sp, sp2 and sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp में होता है हमारे पास 50% एस करेक्टर, sp2 में होता है 33, sp3 में होता है 25% एस करेक्टर। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उतना इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। देखो अब हमें पता कैसे चलेगा sp कौन सा है, sp2 कौन सा, sp3 कौन सा है, एक सिंपल सा फंडा बता रही हूँ। sp में लगा होगा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, sp2 में होगा डबल बॉन्ड, sp3 में होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखो अब हम अगर बात करें r c ट्रिपल बॉन्ड c नेगेटिव चार्ज, r2c डबल बॉन्ड ch नेगेटिव चार्ज एंड सॉरी आर सी एच टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स एस पी थ्री, डबल बॉन्ड है दैट मीन्स एस पी टू, ट्रिपल बॉन्ड है दैट मीन्स एस पी। अब किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किस में एस करेक्टर ज़्यादा है, एस पी में, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बनाइन, लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बनाइन।
स्ट्रक्चर में भी हमारे पास सिंपल सा, जैसे हमने पहले बात की थी, तीन बॉन्ड्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पर यूज़ हो रही है बॉन्डिंग में, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ यूज़ हो रहा है नॉन बॉन्डिंग में, वो काम कर रहा है लोन पेयर का। ये देखो भाई, तीन बॉन्ड तो इसके कहाँ यूज़ हो गए बॉन्डिंग में, एक बचा इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या बना रहा है, हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या है हमारे पास लोन पेयर। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इन कार्बेनाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास sp3। ठीक है, sp3 है तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होती है अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, तो ये क्या बनाएगी, पिरामिडल, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें से थ्री क्या है ऑर्बिटल, थ्री सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ या किसी अल्काइल ग्रुप के साथ। फोर्थ जो हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो क्या कर रहा है, लोन पेयर का काम कर रहा है। ये है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायंस। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।